हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो क्या हाल है यार। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यार हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन पूछा है एमिवे और कृष्णा से रिलेटेड कि आप किसके साइड हो, तो मैं उसी क्वेश्चन का रिप्लाई देना चाहता हूँ। तो मैं तो यार किसी के साइड भी नहीं हूँ, मैं हिप हॉप के साइड हूँ। और हिप हॉप भी क्या देसी हिप हॉप के साइड हूँ, तो यार कोई भी जीते यार कोई भी हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हिप हॉप बढ़ना चाहिए। किसी के साइड नहीं हो यार, सीधी बात है। एमिवे को कोई हेट नहीं यार, उसके भी गाने मुझे बहुत पसंद आते हैं, कृष्णा भाई के गाने भी बहुत अच्छे होते हैं, तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। पर जो फाइट हो रही है, डिस्ट्रैक्ट वॉर चल रही है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है लोगों को। और लोगों को लगता है कि यार बस मैं हेट फैला रहा हूँ यार इसको कम उसको ज़्यादा बोल के, पर यार फाइट ही उस टाइप की है। अगर एमिवे उस चीज़ का रिप्लाई नहीं दे रहा है तो क्या कर सकते हैं यार। रफ्तार और एमिवे की जो फाइट हुई थी उसमें अपन ने रफ्तार को थोड़ा नीचे गिरा दिया था, बिकॉज वो चिल्ला के गाने नहीं बना रहे थे, इसलिए एमिवे बना रहे थे। तो लोगों का कहना था कि एमिवे ऊपर है, एमिवे ऊपर है। और यहाँ पर कृष्णा को लोग ऊपर मान रहे हैं क्योंकि कृष्णा ने दो डिस्ट्रैक्ट निकाल दिए और एमिवे ने सिर्फ एक। तो यार लोग सिर्फ नंबर्स पे जाते हैं, सिर्फ कंटेंट पे जाते हैं कि कौन कितना निकाल रहा है, कौन कैसा निकाल रहा है। जैसा माहौल है मैं उस टाइप से बात कर रहा हूँ। अगर एमिवे भी अब से एक और डिस्ट्रैक्ट निकाल देते हैं तो एमिवे की साइड भी बहुत लोग जाएंगे। और मेरी कुछ वीडियोस में डिसलाइक आया जिसमें मैंने एमिवे की बुराई कर दी है। तो यार बुराई तो कुछ नहीं करी है यार, जिस टाइप का गाना था मैंने बता दिया है। और उसमें आप लोग लाइक डिसलाइक रेशियो भी देख सकते हो यार, डिसलाइक सिर्फ उन्होंने करा है जो एमिवे के बारे में बुराई नहीं सुन सकते। कमेंट में भी मुझे बहुत लोगों ने कहा, तो मैंने उन लोगों को तो समझा दिया यार कि कैसा क्या सीन है। पर अभी से भी एमिवे एक और नया डिस्ट्रैक्ट निकालता है, एकदम बराबर में आ जाएगी फाइट। पर फिलहाल तो कृष्णा 2-1 का चल रहा है, 2 कृष्णा 1 एमिवे। तो आगे देखते हैं यार, जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अब जाके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहली न्यूज यार एमसी स्टैन की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल में यार एमसी स्टैन ने एक इंटरव्यू दिया यार राज जोन्स के चैनल पे, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे यार राज जोन्स ने एमिवे से रिलेटेड। तो उसका रिप्लाई उन्होंने कुछ इस तरह दिया, आप लोग वीडियो देख सकते हो। सेटलमेंट होगा या मतलब ये डिस्पे छोड़ दिया कौन? नहीं मतलब क्या उसका और मेरा क्या? हाँ। आपने खाला का लड़का है वो, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब इतना है क्या, इतना बीफ नहीं कि ऐसा ऐसा मारने वाला ट्रिप कुछ नहीं। वो मैं भी अक्सर उसको हक देता। उसका बातचीत हुई कभी कि भाई खत्म करते बस? नहीं नहीं करेगा, फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा ना कि एक और डिस्ट निकाल रहा हूँ फिर? नहीं नहीं बात भी करेंगे ना, किधर तो भी मिले तो ना क्या झड़पे में तड़पे। तो वीडियो देख के तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, पर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो एमसी स्टैन का कहना है कि अब उनकी कोई भी लड़ाई नहीं है एमिवे से, डिस वाली लड़ाई पूरी ख़त्म हो चुकी है और पर्सनल उनकी कोई भी फाइट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग मिलेंगे तो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, वो दोनों एक दूसरे से बात करने वाले हैं, तो बहुत अच्छी बात है यार। और पूरा इंटरव्यू का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लो यार। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे राज जोन्स ने और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इंटरव्यू। और जितने भी डाउट्स है यार आपको एमसी स्टैन से रिलेटेड, सारे उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो अगली न्यूज़ यार एमसी अल्ताफ की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों एमसी अल्ताफ का जो सॉन्ग आया था अभी कुछ दिनों पहले करके दिखाने का, मैंने आप लोगों को रिव्यू भी दिया था उस गाने का, तो वो जो सॉन्ग यार 1 लाख व्यूज क्रॉस कर चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है यार। और बहुत जल्दी क्रॉस कर दिया है और ये गाना डिजर्व भी करता है यार इससे ज्यादा व्यूज। तो अभी तो मिलियन पार जाना बाकी है, तो जब भी ये मिलियन पार जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा अपने वीडियोस में। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ मिलेगी आपको हिप हॉप से रिलेटेड, तो बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। तो अगली न्यूज़ यार गानों की तरफ से आ रही है। तो पहला गाना जो उसका नाम है वेक अप बाय हॉट फेक्स फीचरिंग विष्णु मोहन, और ये जो गाना है यार मोटिवेशनल सॉन्ग है, मुझे पसंद आया स्टोरी लाइन के साथ में, तो आप लोग जाके ये गाना सुन सकते हो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस गाने के बारे में, अच्छा गाना है और लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं। तो अगला गाना जो उसका नाम है बच्चू बाय थोराट, तो ये वाला गाना भी आउट होने वाला था 20th को, तो रात को 12 बजे ये गाना आउट हो चुका है और मैंने सुन लिया है और मुझे बहुत ही पसंद आया गाना। थोड़ी बहुत मुझे कॉपी लगी यार एमिवे की, क्योंकि यार पूरी हेयर स्टाइल वैसी है, स्टेप्स भी वैसे ही लग रहे थे और टोन भी जो थी यार फ्लो उस टाइप का ही था जैसा एमिवे का होता है। और लिरिक्स बहुत ही अच्छे हैं यार, मुझे लिरिक्स ही पसंद आए इस गाने के। और थोराट के मुझे पर्सनली गाने इतने पसंद नहीं आते, ठीक ठाक ही लगते हैं, पर ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद आया। लोकेशन बहुत ही अच्छी है यार वीडियो की और वीडियो भी बहुत अच्छा शूट हुआ है, तो आप लोग जाके ये गाना सुन सकते हो। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगे कि एमिवे जैसे ही गाना है और एमिवे की कॉपी करी है, तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो लगा यार, आप लोगों को कैसा लगता है बताना मेरे को नीचे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके सुन लो यार। तो बस दोस्तों आज के लिए इतनी न्यूज़ थी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। और आपके भी कोई से रैप सॉन्ग्स है तो मुझे कमेंट में बता दो, मैं उनको अपने वीडियोस में प्रमोट कर दूंगा। और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस कर दो, पड़ोस में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।